हेलो एवरीवन, इट्स मी बुशरा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग सब? और आज फाइनली वो दिन आ गया जिसका मुझे इतने दिनों से इंतज़ार था। मतलब एशिया कप चल रहा था, मैंने मैच का व्लॉग भी बनाया था, तो आज फाइनली फाइनल है कि श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच में। तो देखो क्या होता है, हमारी तो अच्छी दुआ है कि पाकिस्तान एशिया कप फाइनल जीत जाए, क्योंकि इतना आगे तक आए हैं, फाइनल्स तक आए हैं, तो अब तो हमें जीतना ही चाहिए। इंडिया से जीत गए थे, अब श्रीलंका से भी जीतना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है। आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी नहीं ठीक, फिर भी मैच तो देखना है क्योंकि मैच मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी टॉस होने में भी थोड़ा सा टाइम है, तो देखते हैं क्या होता है। और अब टॉस होने में सिर्फ कुछ मिनट से रह गए, टॉस होने लगा है। उसे तो बोला भी जा रहा है कि मेरा गला खराब है। ये आज हम टॉस जीत गए और इंडिया की बारी में हम टॉस जीते थे और मैच हम जीतेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आज तो मेरी आवाज़ भी बहुत बुरी निकल रही है, मेरा गला बहुत सा खराब है। मम्मा पाकिस्तान टॉस जीत गया। अल्लाह ताला पाकिस्तान फाइनल भी जीत जाए, टॉस जीत गया ये चीज। और जी फाइनली श्रीलंका का एक आउट हो गया, जबकि नसीम शाह ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा बॉल किया है। मतलब बहुत मज़ा आया, एक विकेट तो चले गई है, अब जल्दी जल्दी विकटें गिर गया और टारगेट कम मिले तो हम जीत जाएंगे। और फाइनली दूसरी विकेट भी चली गई है यार, हारिस रऊफ ने बॉलिंग की और बाबर आजम ने कैच किया। मतलब बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा अभी तक मैच चल रहा है, दो आउट हो चुके हैं और 23 रन बने हैं। मतलब अच्छा खेल रहा है, मेरी आज मैं चीखें भी नहीं मार सकती क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, पर देखो क्या होता है। फाइनली 3 आउट हो गए हैं और मतलब तीसरा भी बोल्ड हुआ है। बहुत ज़्यादा अच्छी गेम अभी तक तो चल रही है, बस इस तरह ही खेलते रहे और पाकिस्तान जीत जाए। मेरा गला ख़राब हो रहा है आज, देखो क्या होता है। जी तो फाइनली श्रीलंका के 4 आउट हो गए हैं। मेरा इतना दिल चाह रहा है कि आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कितने मज़े के आउट हो रहे हैं, पर मैं नहीं दिखा सकती। मेरी पिछली वीडियो में भी स्ट्राइक आ गई थी, ये खैर ये वाली स्टोरी मैं आपको लास्ट में बताती हूँ कि मेरा हुआ क्या है। अब पाकिस्तान के 4 आउट हो गए हैं, सब बहुत अच्छा। पाकिस्तान ने कर दिए 5 आउट, मतलब बोल्ड हुआ है। मुझे सबसे ज़्यादा आउट देखने में बोल्ड मज़ा आता है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और इतनी खुशी हो रही है। मतलब बहुत अच्छा आज खेल रहे हैं, मैं तो कह रही हूँ ऑल आउट हो जाए, आगे आपको टारगेट कम मिले और मज़ा आए मैच देखने का। देखो क्या होता है, मेरी तो दुआ है कि पाकिस्तान जीते। अब हो गए हैं श्रीलंका के 6 आउट और अब तो मतलब कुछ ही बॉलें रह गई हैं, मतलब एक ओवर ही रह गया लास्ट। तो देखो कहाँ तक टारगेट जाता है और क्या टारगेट देते हैं। और अब श्रीलंका ने टारगेट दिया 170 का, तो देखो पाकिस्तान इजीली कर ले तो एशिया कप जीत जाएगा इंशाल्लाह। देखो क्या होता है, मेरा तो गला इतना दर्द कर रहा है, चुप हो नहीं रहे उस कमरे में, अच्छी तरह मुझे ब्लॉग बनाने ही नहीं दे रहे। देखो यार क्या करूँ। अच्छा जी तो अब पाकिस्तान के हो गए 2 आउट, फखर जमान और बाबर आजम, और पाकिस्तान को चाहिए 78 बॉल्स पे 128 रन। देखो क्या होता है, जीतेंगे इंशाल्लाह, पर स्टार्टिंग में इन्होंने प्रेशर बहुत दे दिया, 2 विकटें चली गई हैं। मतलब एकदम बाबर आजम क्या हो गया यार, खेलेगा इंशाल्लाह बाबर आजम, अभी कोई बात नहीं। हो गया
है, कल पाकिस्तान और श्रीलंका का तो मैच हो गया है जो कि पाकिस्तान हार चुका है। जब रात को पाकिस्तान मैच हारा उसके बाद मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैं बना ही नहीं सकती, मैं इतने ज़्यादा दुख में थी मैं उसे व्लॉग बन ही नहीं पा रहा था, ना ही मेरा किसी से बात करने का दिल चाह रहा था और ना ही मेरा कुछ रिकॉर्ड करने का दिल चाह रहा था कि मेरी क्या सिचुएशन चल रही है। मतलब मैंने पूरा दिन मैं सोच रही थी कि आज ट्रॉफी पाकिस्तान को मिलेगी एशिया कप की, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छा स्टार्टिंग में खेले थे, 5 विकेट हम लोग ने ली बहुत जल्दी। सारा मैच मतलब उस वक्त तक हमारे पास आ गया था कि हम लोगों ने जीतना है, सारी उम्मीदें थी कि पाकिस्तान आज पक्का वाला मैच जीतेगी और मैं लास्ट जब 6 बॉलें रह गई थी ना लास्ट ओवर तब तक मुझे उम्मीद थी कि पाकिस्तान मैच जीतेगा। बस वही जब नसीम शाह ने 2 अफगानिस्तान के खिलाफ छक्के मारे थे बस वही हो रहा था कि कुछ इस तरह का हो जाए और पाकिस्तान बस फाइनल जीत जाए, क्योंकि पूरा हम फाइनल तक पहुँचे और यहाँ पर आकर हारना ना बहुत बहुत ज़्यादा दुख होते हैं और मुझे तो कुछ ज़्यादा ही दुख था। और अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी फाइनल्स होना है आज और कल का दिन ख्वाब था और बस वो ख्वाब ख़त्म हो जाए और दोबारा से मुझे खबर मिले कि आज फिर से फाइनल्स है, पर ऐसा नहीं हो सकता। अब तो जीत गई और वर्ल्ड लग ट्रॉफी ले भी गए, अब आगे के बारे में सोचेंगे कि आगे भी बहुत सारे मैचेस होने, एक कौन सा आखिरी मैच था, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। हम अपनी टीम को तो सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तान को ही सपोर्ट करेंगे, हमें बहुत यकीन है कोई नहीं वर्ल्ड कप में जीत जाएगा, एशिया कप में हारे हैं कोई बात नहीं, पर फाइनल्स तक हम पहुँचे, हमारी टीम इतनी अच्छी थी तो हम फाइनल्स तक पहुँचे ना, अगर ना होती हम पहले बाहर हो जाते, पर हम लोग फाइनल्स तक पहुँचे। मुझे दुख तो था पर अब कोई बात नहीं, मैं कह रही हूँ कुछ नहीं होता। हाँ वो लोग उन्होंने भी मतलब अपनी तरफ से पूरी कोशिश तो की ना अच्छी, हम उनको अपनी जगह रख कर देखे तो कोई बात नहीं। मुझे दुख था कल तक था, आज मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गई हूँ, मैं कोई मैच के बारे में सोच ही नहीं रही, हार गए कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम फिर से। अच्छा अब मैं आपको अपना रूम ऊपर से दिखाने आई थी कि उस दिन जो मैंने आपको वीडियो दिखाई है कि मेरे रूम के साथ हुआ क्या था वो मैं आपको दिखाती हूँ कि सेट हो गया ठीक है। अब ये थी सारी वॉर्डरोब ठीक है ना, इसमें मैंने आपको दिखाया था सारा ख़राब हो गए थे, मतलब कपड़े सारे ख़राब हो गए थे, इनको मैंने हफ्ता धूप में रखा है, अलमारियाँ सारी खोल के विंडो और रूम सारा खुला हुआ था मेरा हफ्ता, क्योंकि सारा ख़राब हो गया था मैंने आपको दिखाया था। और अब मेरा रूम बहुत बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, 2 हफ्ते तो मेरे मैच में गुजर गए, ना मैंने कोई वीडियो बनाई है प्रॉपर वाली, ना मैंने इंस्टा के लिए कोई ट्रांजिशन वीडियो बनाई है, क्योंकि मैं मैच में इतना ज़्यादा मसरूफ़ थी और बीच में मेरी तबीयत भी बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, दिल ही नहीं चाहता, इतने मसरूफ़ दिन हो गए हैं, स्कूल से आती हूँ डायरेक्ट अकेडमी चली जाती हूँ, अकेडमी से आकर मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती, ना ही मैं बना सकती हूँ यार, मैं कहती हूँ छुट्टी हो संडे हो या सैटरडे हो, और अब जो सैटरडे संडे आया तो उसमें मैच थे और उसमें मैं व्लॉग बना नहीं सकती थी, बना तो सकती थी मैं मैच के तो बना रही थी, उसके अलावा मैं कोई नहीं बना सकती थी। तो अब हम अपना रूम थोड़ा सा बहुत साफ़ करते हैं, आपको दिखाती हूँ, दुख खत्म करना है, मैं भी खुश हो गई हूँ, आप लोग भी अगर मैच देख रहे थे दुखी थे तो आप लोग भी खुश हो जाए। और यहाँ पर मैं आपको दिखाई थी कि मेरे रूम की क्या हालत हुई थी बारिशों की वजह से, सारे मेरे रूम में फंगस लग गया था, मेरी कबर्ड्स मेरा फर्नीचर सारा का सारा ख़राब हो चुका था, आप लोगों को पता है कि लकड़ी कितना ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब करती है, तो सारा मेरा फर्नीचर भी ख़राब हो गया था और कबर्ड्स भी, और उस कबर्ड्स में इतने सारे कपड़े थे सारा ख़राब हो गया था और बहुत ज़्यादा खाना ख़राब हुआ था कमरे का, और फिर मैंने सारा सामान कोई बाहर निकाल के रखा, कमरे की आप हालत देखिए कितनी ज़्यादा ख़राब हो रही है, कोई 2 हफ्ते या 1 हफ्ता मेरा रूम ऐसे ही रहा खुला, मतलब वार्डरोब सारी खुली होती है, और मैंने सारे अपने बाहर कपड़े हैंग किए ताकि ये सारे सही हों, ख़राब हो गए थे यार, फंगस सारा लग गया था, बारिश ने बहुत काम ख़राब किया। फिर उसके बाद मैंने इसको पानी और विनेगर लेकर साफ़ किया आहिस्ता आहिस्ता, फिर साफ़ तो हो गया था पर मैंने थोड़ी देर खोल के रखा ताकि दोबारा से ख़राब ना हो जाए, और फर्नीचर का जितना ज़्यादा ख़राब हुआ था ना, मुझे सबसे ज़्यादा फर्नीचर का दुख हो रहा था, क्योंकि फर्नीचर एक तो मुझे ये इतना ज़्यादा अच्छा लगता है और उसको लिए हुए इतना ज़्यादा टाइम ही नहीं हुआ, सारे ड्रॉस ख़राब हो गए थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था, बारिश ने सारा काम ख़राब कर दिया था, सारा फर्नीचर ख़राब हो, और ये मुझे याद है कि फर्नीचर हम लोगों ने कोई 4-5 महीने पहले लिया है, और आप इसकी हालत देखिए लग भी नहीं रहा, इतना ख़राब हो चुका था। उसके बाद ये अच्छा हो कि शुक्र है साफ़ हो गया। अब मैं आपको ये तो बता दूं कि मैंने अपनी अलमारी कैसे साफ़ किया, मैंने पानी के अंदर से डाला और कपड़े के साथ सारी अपनी अलमारी साफ़ की है, अब बिल्कुल ठीक हो गई, और बाकी इधर उधर डस्टिंग वगैरह रह गई है वो भी कर लेती हूँ, तो रूम बिल्कुल ठीक हो जाए।
मेरा फर्नीचर इसीलिए भी सबसे ज़्यादा इस पर डस्टिंग की ज़रूरत हो जाती है क्योंकि ये ब्लैक कलर है और ब्लैक कलर पे कुछ भी लगा हो तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, तो इसीलिए इसको साफ करना ज़रूरी हो जाता है हफ्ते बाद या दो तीन दिन बाद। तो इस दफ़ा मैंने इसीलिए आप लोग को बिल्कुल भी नहीं टीवी दिखाया क्योंकि जो मैंने इंडिया और पाकिस्तान का मैच जीतने का व्लॉग बनाया था उसमें मैंने थोड़ा बहुत टीवी दिखा दिया तो उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई थी, जो कि मेरी इतनी ज़्यादा अच्छी वीडियो चल गई थी यार, वो दिक्कत इतना ज़्यादा दुख हुआ था। उसके बाद मेरा दिल चाह रहा था कि मैं यूट्यूब चैनल छोड़ दूँ, पर उसके बाद मैंने कहा यार नहीं, एक दफ़ा छोड़ा था मैंने, अब नहीं मैंने ये गलती करनी, एक दफ़ा स्ट्राइक आ गई है कोई मसला नहीं, अब मैं नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती नहीं करूँगी कि कुछ हो, तो फिर कोई बात नहीं। अब मैंने बिल्कुल भी नहीं टीवी दिखाया तो कोई चांस ही नहीं बनता। तो बस अब यहीं पर होती है मेरी वीडियो का एंड, और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।